बातें एक मिनट की बात है सिर्फ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार सबको साथ लेकर के सबके केंद्र की और प्रदेश की रीति और नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबका विकास हो रहा है। और मेरा कहना यह है कि जहां 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं पीड़ित होती थी, इस माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास। और जब ये जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी होती थी, धर्म और मजहब के आधार पर बांट करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते थे, मुस्लिम समाज बहकाने में आने वाला नहीं है। ये आप माइक में कह रहे हैं या आपके दिल की आवाज? दिल की आवाज है मेरी, ये मुस्लिम समाज की आवाज है। क्या शुभ नाम है आपका? कदीम आलम एडवोकेट। तो ये साहब तो कह रहे हैं कि पहले विभाजनकारी राजनीति होती थी, आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है। लोग रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अब जाति और धर्म के बहकाए में नहीं आएंगे। 750 किसानों की धरने पे मौतें हुई हैं, किसान में बेचैनी है और जवाब मिलेगा। नहीं नहीं प्रमोद जी, राजपूत समाज में बहुत बड़ी नाराजगी है, उसका भी इस पर भी बात करूंगा। प्रमोद जी के पास जाना चाहता हूं। प्रमोद जी, क्या देखा हमने, क्यों हो रहा है? कह रहे हैं आपको, एक सेकंड चतुर्वेदी जी। अरे भाई, राजपूत तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। मैं अपने सभी राजपूत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाई। हेलो, होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं, जेब में वोट नहीं हुआ। जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन है, सभी नेता इन्हीं के बीच में जाएंगे। ये आप लोग बात है कि राजपूत समाज में बेचैनी है, की भी हो बदतमीजी। राजपूत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ईमानदारी से रखो। बेचैनी से क्या मतलब? ये पंचायतें हो रही है, क्या इस तरह के लोग फिर पंचायत रिप्रेजेंटेशन है भाजपा? मैंने एक सेकंड में एक बात जानना चाहता हूं, जब इस तरीके के लोग आपकी तरफ से बातें रखते हैं और इतने उग्र हो जाते हैं, आप उनको प्रश्रय देते हैं या इसका खंडन करते हैं, निंदा करते हैं? गलत है, हम गलत बात का खंडन करते हैं, हर गलत बात का हम विरोध करेंगे। तो फिर इस तरह की बातें होती क्यों हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूं। ये उत्तेजना जायज है क्या, या इस तरह की उत्तेजना से परहेज करना चाहते हैं? ये राजनीति जो की जा रही है राजपूतों के नाम पर, कोई बंटवारा नहीं है, एक वोट भाग बाकी है। और जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रस की धारा नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देश के प्रति क्या। कभी भारत में कभी किसी की मोटरसाइकिल भी पकड़ लिया तो उसको एक दिन लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, 1 घंटे में अभिनंदन वापस आ गया। भाई साहब, अब के वोट पड़ेगा विकास के नाम पे, ये सब हवा हवाई फायर है। जो भी अब के विकास होगा उसके नाम पे वोट पड़ेगा। कौन कर रहा है विकास? विकास पिछली जो सरकार हुई है, कांग्रेस पार्टी के टाइम हुआ था, समाजवादी पार्टी के टाइम पे हुआ था, ये बाकी सब भाजपा के एजेंडे हवा हवाई फायर है। ये हवा हवाई बातें हैं क्या विकास? मेरा समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न है कि लाखों हजारों करोड़ों वाला बॉलीवुड नाइट सैफई महोत्सव आखिर बंद क्यों हो गया? प्रमोद जी जवाब दीजिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी को तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बदनाम करते हैं। हजारों करोड़ का नाइट सफारी गोरखपुर में होने का काम किया, और जितने बॉलीवुड के एक्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ही घूमते हैं। समाजवादी पार्टी को तो बदनाम किया जाता है, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा कलाकारों का सम्मान करने का काम। जो रेलवे लाइन है वो इलेक्ट्रिक हो गई है, और मेरे ख्याल से इतने जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्निर्माण हुआ है। पहले एयरपोर्ट की संख्या 40 थी, अब 100 कुछ हो। लेकिन यहाँ बुलंदशहर को लेकर लोग कहते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी बड़े शहरों के लिहाज से वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। नहीं, काफी है, लोगने के समझने का विषय है, पहले से बड़ी है। धरती से वो शहर जिसे बरन कहा जाता रहा और आज आप जिसे बुलंदशहर के नाम से जानते हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और पहले ये जानना चाहता हूं कि आज राजा ही बरन की धरती में हाउस द जोश। जय जवान जय किसान। तो ये यहाँ की जनता का मूड है, इस मूड को आगे भी टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बहुत जल्दी से मंच पर कौन कौन है आपको उनसे मिलवा देता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ शिकारपुर विधानसभा से विधायक अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, वन मंत्री भी पहले रह चुके हैं वो। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मनीष चतुर्वेदी जी अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, और कुंवर प्रमोद यादव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वकील भी हैं लेकिन 17 केसेस भी उन पर लगे हुए हैं, ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है उनसे हम जानेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए वो यहां जुड़े हुए हैं, लेकिन इधर संविधान की बहुत चर्चा हो रही है। संविधान इंडी गठबंधन, तमाम सहयोगी जो उसमें एक साथ आए हैं वो ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो जरा ये समझ लूं कि इस बार अनिल जी क्या दिखाई दे रहा है चुनावों में आपको, वो रहा माइक आपका। चुनावों में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पूरे प्रदेश की आम जनता को और एक जो बच्चा सड़क पे घूम रहा है उससे पूछोगे दिखाई दे रहा है भारत जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और 80 में से 80 सीट भारत जनता पार्टी को जा रही है। तो पहले बुलंदशहर की
बुलंदशहर की जहां तक बात है, बुलंदशहर की जहां तक बात है, 14 से 17 में मतांतर बढ़ा, 14 से अगले चुनाव में मतांतर बढ़ा और 19 में बढ़ा और 19 से फिर गैप बढ़ता जा रहा है, फिर गैप बढ़ेगा। नहीं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि कोई चैलेंज आपको दिखाई देता है या कोई नहीं है टक्कर में? अभी तो पता ही नहीं है। आप ये जो प्रत्याशी यहाँ है, किस दल के हैं, क्या इनका नाम है, ये 26 तारीख तक भागेंगे तो वोटर्स को ये बता नहीं पाएंगे कि भैया फला मेरा नाम है और फला मेरा दल है। मनीष जी से समझते हैं। मनीष जी, स्थिति ये होने वाली है क्या इस बार जैसा अनिल जी बता रहे हैं? प्लीज 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 अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बार बुलंदशहर की जनता सोच समझ के विकास पे वोट करेगी, धर्म जाति पे वोट नहीं करेगी। भोला जी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, इनके कल्याण सिंह जी ने जब 5 साल रहे, कल्याण सिंह जी ने भी यहाँ कुछ नहीं किया। इन लगातार सांसद ऐसे बनते चले आ रहे हैं। कल्याण सिंह जी की सांसद निधि वापिस गई थी 8 करोड़, वो उसे यूज ही नहीं कर पाए। जब इतने बड़े नेता नहीं कर पाए यूज, और छतपाल सिंह जी को सबने देखा, 5,000 रूपए लिए थे संसद में क्वेश्चन लेके, बुलंदशहर को अपमानित किया था, ठीक है, जनपद बुलंदशहर अपमानित किया था छतपाल सिंह ने 5,000 रूपए लेकर। एक बात जरा 5,000 रूपए लिए थे, बात समझना चाहते हैं। बुलंदशहर के सांसद ने 5,000 रूपए संसद में प्रश्न उठाने के लिए लिए थे, पूरा जिला जानता है। प्रमोद यादव उन लोगों में से हैं जो विपक्षी की तारीफ करना भी नहीं भूलते। ये उन लोगों में है कि अगर उनका योगी आदित्यनाथ का किया हुआ कोई काम पसंद आया तो उसकी तारीफ करने उनसे मिलने गए थे, ये भी उनकी एक सलाहियत है, खासियत है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, जब आपके साथी ये कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ, आपने खुद ही कुछ कामों की तारीफ की है। देखो यादव जी, हेलो, सबसे पहले आप अपनी बात कहिए, वो लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाव को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना खूबसूरत कार्यक्रम और हमारी जनता जनार्दन सामने बैठी हुई है। सर का भी जवाब क्यों चिंता कर रहे हो भाई? अम्बेडकर जी ने हमें ये ताकत दी है, यदि कोई सरकार काम करे तो उसकी तारीफ हो, यदि कोई सरकार काम ना करे, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार की गलत नीतियों से लड़ाई है। मैं एडवोकेट प्रमोद यादव आपको थोड़ा अपने चोला क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं। आपके बगल में चोला क्षेत्र है, अभी देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वहां पर आए और हमने भरी पंचायत में कहा था कि हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो चेला क्षेत्र पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, वहाँ की जमीनों को छीन लिया, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो आपको वो कौन से काम पसंद आए थे जिनकी आपने तारीफें की थी? देखो ऐसा है, कोई भी सरकार हो वो काम करती है। सरकार समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, कोई नेता नहीं चाहता कि उसकी छवि खराब हो। और जो सरकार काम करती है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, वही तो और जो सरकार काम ना करे उसका। चलिए, इससे ज्यादा मैं आपको खुलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि कुछ एक काम ऐसे भी रहे जिनका प्रमोद जी ने, उनकी पार्टी ने, प्रमोद जी ने तारीफ की। एक बात रविंद्र जी, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। समाजवादी पार्टी बंटवारे की राजनीति, ये जो बात कही जा रही है, इधरी से एक बात कही गई है, ये लोग संविधान को समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस पर जवाब चाहूंगा मैं। मजदूर की बात करती है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान से सब लोगों को सजा मिल रही है, उससे बेचैन नहीं है। संविधान में और भी संशोधन होंगे, होते आ रहे हैं, ये अपनी सजाओं से बेचैन है, अपने कर्मों से बेचैन है। तो ये संविधान से नहीं, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक जिनको गलत कामों की सजा मिल रही है उनके 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 साथ ये परेशानी है। मैं बहुत जल्दी से इधर से होता हुआ जाता हूँ, ये जरा बताइए, दोनों तरह की बातें मेरे सामने आ रही हैं। कोई काम नहीं हुआ और इतना काम हुआ है कि इस बार हैट्रिक लगेगी, सच्चाई की। देखो क्या आज तक हमने जिंदगी में नहीं देखी, जो ये 7 साल में देख ली नहीं, ऐसे अस्पताल बने, हवाई अड्डा बना है और मेडिकल कॉलेज बना, NTPC बनी है। तो इस सब के बीच में संविधान खतरे में है, ये वाली बात आप कैसे देखते हैं? गलत बात है, ये सब गलत है। विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है, मैं एक बात कहनी चाहता हूँ भैया के लिए। सुन भैया, एक बात कहनी चाहता हूँ कि पहले जब माइक चलते थे तो रास्ता में जाते बताते कि यहाँ पे हाथ में छुपाना बम फट जाएगा, वहाँ हाथ छुपाना मतलब बम फट जाएगा। आज कहीं भी किसी बम पे बैठ जाओ, सारा फट ना सके। जो गलत चीज है संविधान में, वो परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। जैसे ट्रिपल तलाक का होना बहुत आवश्यकता रहा हुआ तो संविधान में राकेश गुप्ता जी, तो बहुत आप अपनी बात पर संयम रखिए। देश हित में परिवर्तन बहुत आवश्यक है और जैसे जैसे
भारतीय जनता पार्टी जाति अपवाद की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है भाई। जिस रोड पे आपके प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, लगातार भाजपा सरकार है यहाँ 10 वर्ष से। इस रोड पे कोई भी बाईपास नहीं है, जो सियाना रोड पे आप आसानी से निकल जाओ। अगर आप भूड़ चौराहे से घुसोगे तो आपको 2 घंटे चाहिए यहाँ से सियाना अड्डे जाने। भाई साहब, आवास विकास कॉलोनी से बाईपास निकलना शुरू हो गया। देखिए, मैं सपा बसपा और कांग्रेस इनके जो गठबंधन वाले इनके दोनों प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, इन पे कोई नेता नहीं मिला, सब दोनों के बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहरी प्रत्याशी भाजपा ने इतने काम किए। कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड की प्रस्ताव जा चुका है, जेवर यहाँ चोले स्टेशन पर यादव जी के पास में स्कूल, आवासीय स्कूल जिसमें छात्राएं पढ़ेंगी। छात्रों की बात तो यहाँ किसी भी नेता ने करी नहीं है। मैं एक छात्र हूँ, सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है कि लंदन, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में शिक्षा फ्री है और हमारे देश में 18% GST है। और मेरे दो सवाल है, शांति बनाए रखें। और अभी मोदी जी ने भी वादा किया 2014 में आए जब कि 2 करोड़ रोजगार, उस हिसाब से 10 करोड़ बैठ रहे हैं और छात्रों को मिला क्या, सिर्फ पेपर लीक। हमें इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा अनिल जी, पेपर लीक छात्रों के लिए क्या किया गया। एक अनिल जी जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड जवाब दे रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जहां तक रोजगार की बात है दिनेश जी, तो आप ये समझिएगा कि सिर्फ मैं बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ बांध में फैक्ट्री लगी है, 3000 रोजगार बच्चों को मिले जो बुलंदशहर के ही हैं। सैमसंग का सबसे बड़ी यूनिट विश्व की लगी है नोएडा। आप भूड़ चौराहे पर खड़े हो जाएं, सुबह मोटरसाइकिल पर बैठ करके हमारा युवा बैग टांग करके जाता है, हजारों युवा जाते हैं।